अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ आपको एक नई सीरीज, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज। और इसमें जो है S24 में गैलेक्सी S24 है, S24 प्लस है और S24 अल्ट्रा है। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो में इस सीरीज के ये तीनों सेट जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ और देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं और उन फीचर के साथ जो है इन तीनों का कितना प्राइस है इस वाली हाइपर मार्केट में। तो ये है गैलेक्सी S24। इसका रहेगा ये रियर का लुक, मतलब बैकग्राउंड का लुक है। तीन कैमरे मिल रहे हैं इसमें आपको और काफ़ी लाइट वेट है, जैसे कि ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आईफोन को पकड़े हुए हैं आप। इसके राइट साइड में ये मिलेगा यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का कंट्रोल और इसके जस्ट अप साइड मिलेगा ये वॉल्यूम अप डाउन के कंट्रोल। ये मिल रहा है इसका स्पीकर और ये मिलेगा USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट। और इसके लेफ्ट साइड में जो है कुछ भी नहीं है। गैलेक्सी S24 में जो है आपको चार कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे। S24 में अगर ये डिस्प्ले के स्क्रीन साइज़ की बात की जाए तो 6.2 इंचेस का जो है AMOLED डिस्प्ले मिलेगी 2X के साथ। रियर के कैमरे की बात की जाए तो सबसे पहला रियर का कैमरा इसमें आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का और ये शूट करेगा F1.8 अपर्चर पर। दूसरा कैमरा इसमें आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल का और ये शूट करेगा 2.4 अपर्चर पर। तीसरा कैमरा इसमें आपको मिलेगा 10 मेगापिक्सल का, साथ में मिलेगी एक फ्लैश लाइट और ये शूट करेगा F2.2 अपर्चर पर। सैमसंग गैलेक्सी S24 में अगर फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो 12 मेगापिक्सल का जो है इसका फ्रंट का कैमरा मिलेगा। चेक करते हैं कैमरा क्वालिटी, इसका क्वालिटी भी अच्छी है। ये है इसका बैक का कैमरा, इसमें भी 3X जूम दिया हुआ है, देख लीजिए, और ये 3X जूम जाएगा 12 तक। ये इसकी कैमरे की क्वालिटी भी बेहतर है। और ये है सैमसंग गैलेक्सी S24, फोटो की क्वालिटी देख लीजिए, ज़बरदस्त एकदम यार क्वालिटी है इसकी। और स्टेबलाइजेशन देखते हैं इसका, इसमें स्टेबलाइजेशन कितना है, मतलब इसमें भी स्टेबलाइजेशन काफ़ी अगर देखा जाए तो। गैलेक्सी S24 में 4000 mAh की जो है इसकी बैटरी कैपेसिटी मिल रही है। गैलेक्सी S24 में जो है 167 ग्राम का जो है इसका वेट है टोटल। गैलेक्सी S24 में जो है 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज, 256GB इंटरनल स्टोरेज और 512GB इंटरनल स्टोरेज का जो है आपको ऑप्शन मिल जाएगा। गैलेक्सी S24 में 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ अगर इसके रेगुलर प्राइस की बात की जाए तो इस हाइपर मार्केट में इसका रेगुलर प्राइस रहेगा 3249 रियाल, यानी 3249 रियाल। और 3249 रियाल को जो है आप अपनी कंट्री के हिसाब से जो है कन्वर्ट कर सकते हैं कि इसका कितना प्राइस हो जाएगा। और गैलेक्सी S24 में 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ अगर इसके रेगुलर प्राइस की बात की जाए तो इसका रेगुलर प्राइस रहेगा इस वाली हाइपर मार्केट में अभी 3499 रियाल, यानी 3499 रियाल। और 3499 रियाल को जो है आप अपनी कंट्री के हिसाब से जो है कन्वर्ट कर सकते हैं कि किसका कितना प्राइस हो जाएगा आपकी कंट्री में। और गैलेक्सी S24 में इसका चिपसेट रहेगा एक्सिनोस 2400 के साथ। नेक्स्ट इस वाली वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ आपको सैमसंग गैलेक्सी S24 प्लस। चलिए इस वाली हाइपर मार्केट में जो इसका प्राइस जान लेते हैं और देखते हैं कि इसमें अभी क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं हमको। और मैं जो है ये वाली किडनी भेज रहा हूँ, कोई लेगा तो बताओ, मैं सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा लेना चाहता हूँ, ये बेच के ये इंडस्ट्री आना भी है बात स्त्री है तो जवाल सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। नेक्स्ट इस वाली वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ आपको गैलेक्सी S24 प्लस, क्या जबरदस्त लुक है यार इसका। इसमें भी आपको तीन कैमरे मिलेंगे, साथ में मिलेगी एक फ्लैश लाइट। और इसके राइट साइड में देखें तो यहाँ पर मिलेगा ये पावर ऑन ऑफ का कंट्रोल और इसके जस्ट ऊपर मिल रहा है ये वॉल्यूम अप डाउन के कंट्रोल। नीचे मिलेंगे स्पीकर और सिम स्लॉट और ये मिल रहा है बीच में USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट। बाकी इसके लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, सिंपल है, देख लीजिए। बाकी अगर आपको डेट दिख रही हो तो उस पर फोकस मत करना। अगर इसके डिस्प्ले के स्क्रीन साइज की बात की जाए तो 6.7 इंचेस का जो है डिस्प्ले का स्क्रीन साइज रहेगा और डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो 120Hz का जो है डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट मिलेगा आपको। गैलेक्सी S24 प्लस में अगर कलर की बात करें तो इसमें भी आपको चार कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे। बैक साइड में ये मिलेगा सैमसंग का लोगो। अगर इसके स्टोरेज की बात की जाए तो 12GB रैम के साथ जो है 256GB इंटरनल स्टोरेज और 512GB इंटरनल स्टोरेज का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। रियर के कैमरे की बात की जाए तो सबसे पहला कैमरा इसमें आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का और ये शूट करेगा F1.8 अपर्चर पर। दूसरा कैमरा इसमें आपको मिला 12 मेगापिक्सल का, ये शूट कर रहा है 2.4 अपर्चर पर। तीसरा कैमरा इसमें आपको मिलेगा 10 मेगापिक्सल का, ये शूट करेगा F2.2 अपर्चर पर। गैलेक्सी S24 प्लस में भी आपको फ्रंट का कैमरा मिलेगा 12 मेगापिक्सल का और ये शूट करेगा 2.2 अपर्चर पर। और गैलेक्सी S24 प्लस में जो है 4900 mAh की जो है इसकी बैटरी कैपेसिटी मिल जाएगी। गैलेक्सी S24 प्लस में जो है 196 ग्राम का जो है टोटल वेट रहेगा। गैलेक्सी S24 प्लस में जो है 6.7 इंचेस का जो है डिस्प्ले का स्क्रीन साइज रहेगा और इसका रिफ्रेश रेट
रेट मिलेगा 120 हर्ट्ज का। एमोलेड 2X के साथ जो है इसकी डिस्प्ले मिलेगी टेक्नोलॉजी में। गैलेक्सी एस 24 प्लस के अगर यहाँ पर 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और इसके रेगुलर प्राइस की बात की जाए तो इसका रेगुलर प्राइस रहेगा 3999 रियाल यानी 3999 रियाल, ऑलमोस्ट ऐसा मान के चलिए कि 4000 रियाल, और 4000 रियाल को जो आप अपनी कंट्री के हिसाब से जो है कन्वर्ट कर सकते हैं कि इसका कितना प्राइस हो जाएगा। बाकी अगर आप 12 GB रैम के साथ 512 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ अगर इसके रेगुलर प्राइस की बात करें तो इसका रेगुलर प्राइस इस वाली हाइपर मार्केट में भी रहेगा 4499 रियाल यानी कि 4500 रियाल, और 4500 रियाल को जो है आप अपनी कंट्री के हिसाब से जो है कन्वर्ट कर सकते हैं कि इसका कितना प्राइस हो जाएगा। गैलेक्सी एस 24 प्लस का जो है कैमरा चेक करके देखते हैं कैसा कैमरा, क्वालिटी देखो यार जबरदस्त, प्लस स्टेबलाइजेशन भी है देख सकते हैं ना आप, अगर आप भागेंगे तब भी जो है ना ये स्टेबल रहेगा, जबरदस्त क्वालिटी है यार ये देखो सैमसंग गैलेक्सी, और हमारा अगर भागने लगे तो ऐसे हिलता, और ये देखो फुल स्टेबल है ये। बैक कैमरे की क्वालिटी चेक कीजिए एक बार, ओए होए होए होए। तो फाइनली इस वाली वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ अभी सैमसंग गैलेक्सी एस 24 अल्ट्रा, और देखते हैं कि इसमें अभी क्या क्या फीचर्स हमको मिल रहे हैं, और इन फीचर के साथ जो है इस सैमसंग गैलेक्सी एस 24 अल्ट्रा का इस वाली हाइपर मार्केट में जो है कितना प्राइस है और कितना डिस्काउंट चल रहा है। जाहिर सी बात अभी लॉन्च हुआ तो डिस्काउंट तो नहीं मिल पाएगा आपको। ये है सैमसंग गैलेक्सी एस 24 अल्ट्रा, सैमसंग का बैक में लोगो मिलेगा और इसमें मिलेंगे आपको 4 कैमरे, साथ में मिलेगी एक फ्लश लाइट। नेटवर्क की बात करें तो इसमें जो है 5G नेटवर्क मिलेगा प्लस वाईफाई के साथ, और ये है इसकी डिस्प्ले। डिस्प्ले के अगर स्क्रीन साइज की बात की जाए तो 6.8 इंचेस का जो है इसका डिस्प्ले रहेगा QHD डायनामिक एमोलेड 2X के साथ। गैलेक्सी एस 24 अल्ट्रा में जो है 120 हर्ट्ज का जो है डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी एस 24 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 8 के साथ जनरेशन 3 का जो है चिपसेट रहेगा। गैलेक्सी एस 24 अल्ट्रा में अगर कैमरे की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें कैमरा मिलेगा आपको 200 मेगापिक्सल का, और ये सूट करेगा 1.7 अपर्चर पर। दूसरा कैमरा इसमें आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का, और ये सूट करेगा f3.4 अपर्चर पर। तीसरा कैमरा मिलेगा इसमें आपको 10 मेगापिक्सल का, और ये सूट करेगा 2.2 अपर्चर पर। चौथा कैमरा इसमें आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल का, और ये सूट करेगा f2.4 अपर्चर पर। फ्रंट का कैमरा इसमें आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल का, और ये सूट करेगा f2.2 अपर्चर पर। इसके राइट साइड में ये मिल रहा पावर ऑन ऑफ का कंट्रोल, और इसके जस्ट अप साइड में मिलेगा ये वॉल्यूम अप डाउन के कंट्रोल। नीचे मिलेगा ये सिम स्लॉट, पैन स्लॉट, और ये है इसका USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट। गैलेक्सी एस 24 अल्ट्रा में जो है 5000 mAh की जो है बैटरी कैपेसिटी मिलेगी। सैमसंग गैलेक्सी एस 24 अल्ट्रा में जो है 12 GB रैम के साथ जो है 256 GB और 512 GB इंटरनल स्टोरेज का जो है ऑप्शन मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात की जाता है, ओक्टा कोर का CPU रहेगा इसमें, और सैमसंग गैलेक्सी एस 24 अल्ट्रा में अगर इसके वेट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 232 ग्राम का जो है इसका वेट रहेगा। कैमरे में जो है इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है, पोर्ट्रेट का, फोटो का, वीडियो का और मोर का, और यहाँ पर 12 मेगापिक्सल के साथ जो है बेजिंग भी मिल जाएगी कैमरे की, और रिजोल्यूशन है 3.4 का। बाकी कैमरा देख सकते हैं इसमें कुछ इस तरीके की क्वालिटी है कैमरे की, और वीडियो के ऑप्शन पे जाके देखते हैं स्टेबलाइजेशन काफ़ी है इसमें। मोर में जाके देखें तो मोर में बहुत सारे इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, प्रो का, प्रो वीडियो, नाइट, फूड, पैनोरमा, स्लो मोशन, हाइपर लैप्स, पोर्ट्रेट वीडियो, डुअल रिकॉर्डिंग और सिंगल टैक, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे इसमें। वीडियो में देखें तो इसकी 10x तक जो है इसमें जूम है, देख लीजिए बिस्क्रीम, कौन खिलवाएगा हमको, कोई नहीं चलो। और ये रहेगा इसका फ्रंट कैमरा, देख सकते हैं आप स्टेबलाइजेशन काफ़ी है इसमें, प्राइस भी उसी हिसाब से इसका। गैलेक्सी एस 24 अल्ट्रा के यहाँ पर 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ अगर इसके रेगुलर प्राइस की बात की जाए तो 5399 रियाल जो है इसका रेगुलर प्राइस रहेगा, मतलब कि 5399 रियाल, और 5399 रियाल को जो है आप अपनी कंट्री के हिसाब से जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर 512 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ इसका रेगुलर प्राइस रहेगा 5899 रियाल यानी 5899 रियाल, और 5899 रियाल को जो है आप अपनी कंट्री के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं कि गैलेक्सी एस 24 अल्ट्रा का जो है कितना प्राइस हो जाएगा। बाकी इसके साथ आपको मिलेगी एक पैन ये ऑपरेट करने के लिए, इसकी भी अच्छी खासी वैल्यू है यहाँ पर।